सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री यानी कैप्सी द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बताते चले कि 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई पहली राउंड टेबल में रक्षा, पुलिस, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्षेत्र, शिक्षा जगत और सिविल सोसाइटी द्वारा सक्रिय हिस्सा लिए जाने के बाद हम इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है। पहली कॉन्फ्रेंस के दौरान विकसित की गई विस्तृत योजना को गृह मंत्रालय MHA से महत्वपूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है। कैप्सी एवं APDR के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्कृति का विकास करने के लिए ये राउंड टेबल हर हितधारक के लिए एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाती है, जहां वह सहयोगपूर्ण और समावेशी तरीके से हिस्सा लेते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों जैसे सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं, सुरक्षा व्यवसायियों और कॉरपोरेट नेतृत्वकर्ताओं एवं नागरिकों को एक साथ लाकर हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सामूहिक समझ एवं सहयोग का विकास करना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत राष्ट्रीय रणनीति और कार्यवाही योग्य कार्य योजना तैयार करना है। सभी हितधारकों को इस प्रक्रिया में शामिल करके हम अपनी सुरक्षा की संस्कृति के भविष्य को आकार देने में सभी का योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये कैप्सी जो है पूरे देश में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी एक फेडरेशन है और इसके अंदर पूरे देश भर में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज कार्यरत है और इन 35,000 सिक्योरिटी एजेंसियों में 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। 1 करोड़ जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो सिक्योरिटी के काम में कार्यरत है, और कैप्सी उनकी जो इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के इश्यू होते हैं, इंडस्ट्री के इश्यू होते हैं, उन सबको सरकार तक पहुँचाती, सरकार से बात करती है। हमारी MHA जो है, हमारी नोडल मिनिस्ट्री, उनसे बात होती है, PMO में बात होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात होती है, जो भी है, और सरकार हमारी बात का संज्ञान लेती है। और पिछले कम से कम कोई 19 साल से हम निरंतर इस देश में लोगों को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और पूरे वातावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। और हमारे अभी तक 19 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं जिसमें राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। हर हमारी कॉन्फ्रेंस में 6 से 7 मंत्री आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रामीण लोगों को जो काम देने का सेक्टर है, जो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसमें आके काम करते, जिनको हम 160 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्ड कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जिससे लोगों को जॉब मिलता है। कितना बड़ा जॉब जो है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 22% है, यानी कि हम हज़ारों लोगों को इसमें नौकरी देते हैं और आगे दे रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है। अब तो आज के दिन में कम से कम कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो अच्छी कंपनी में काम करते हैं 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहा है। ये बढ़ने वाली है, सरकारें और भी इसके ऊपर बात कर रही, किस ढंग से हम इस सारी सुरक्षा व्यवस्था। लगातार चर्चा आप लोगों की हुई है, कई डिस्कशन हुए हैं, क्या कुछ उद्देश्य था आज की मीटिंग का, इस बैठक का क्या कुछ? आज का उद्देश्य एक पूरे देश को सुरक्षित करने का, सुरक्षित भारत और विकसित भारत। भारत विकसित तभी हो सकता है अगर वो सुरक्षित है, तो इसका बेसिक बात है। तो हम पूरे देश में कैप्सी ने नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर, एक राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा का एक संस्कृति पैदा करना, जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश में आप एक संस्कृति पैदा कर रहे हो, उसमें हम देश के हर नागरिक को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सिर्फ फौज की या सिक्योरिटी गार्ड की, पुलिस की नहीं है, आपकी भी है। अगर आप अपनी इस सुरक्षा को समझोगे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे आपने सुरक्षित होना है। स्कूलों में जाके हम बताने वाले हैं, यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिल रही हैं। आज देखा जितने भी कॉरपोरेट के 30-40 लोग इसमें आए हैं, सारे ही देश की सबसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके ही चीफ लोग आए यहाँ पर। उससे पहले जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके हमने जो देश के फौज के जनरल्स थे, IPS अफसर थे, बड़े बड़े जजेस थे, उन सब लोगों को बुलाया था कि ये हम जो काम करने जा रहे हैं, एक नई संस्कृति पैदा करने, क्या हमारी सोच सही है कि नहीं सही। तो जो वो ज्ञानी लोग थे उनसे बात की, उन्होंने इस चीज़ को माना। अब जो हमारा सेकंड राउंड टेबल है,
जिसमें इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया, हॉस्पिटल के लोग आए थे, कॉलेजेस के आए थे, स्कूलों के आए थे। अब इसके बाद जो हम चाहते हैं, इसमें भारत सरकार हमारे साथ है, हमारी इस स्कीम को जो MHE है उसने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना कि अगर ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो देश में शुरू होने चला, क्योंकि आपके पास सुरक्षा के बहुत चैलेंजेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस, आप जानते हो कभी भी कोई भी हंगामा हो सकता है देश के अंदर, तो अंदर की व्यवस्था अगर हम मजबूत करेंगे तो बड़ी बात है। आज दिल्ली के अंदर कोई 70 या 75 हज़ार पुलिस मैन हैं और हम यहाँ 5 लाख हैं। तो आज जो CP साहब आए थे जहाँ पे आपके जॉइंट CP आए थे, मेरी CP साहब जो हैं उनसे भी बात हुई उनके साथ, उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके 5 लाख लोग हमारे 80, हम फोर्स मल्टीप्लायर हैं, आपस में मिलके काम करेंगे तो हम जो वुमन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो चाइल्ड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो बाकी इशू है, इनको हम सब लोगों को ठीक कर दें। ऐसे ही हमारे 6 और प्रदेश के जिनके जो DGP हैं, उन्होंने भी हमारी स्कीम को कहा कि ये बहुत बढ़िया स्कीम, आप मिलके चलते हैं। उनके साथ भी हमारी मीटिंग अभी होने वाली है, फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो देश में एक नया याम पैदा करना, एक संस्कृति पैदा करना एक बहुत बड़ा काम है जिसमें हम सब उस पर लग गए। सर, अग्निवीर को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है, क्या अग्निवीर वाले भी आपके मतलब सिक्योरिटी गार्ड में लिए जाए? सी, अग्निवीर में तो सरकार की पॉलिसी थोड़ा चेंज हुआ है और उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जितने अग्निवीर जब भी उनकी सर्विस ख़त्म होएगी तो उनको वो पुलिस में लेंगे, पैरामिलिट्री में ले लेंगे और स्टेट पुलिस उनको ले लेगी। तो ये बड़ा अच्छा सरकार का कदम है कि उनको सरकारी नौकरी के बाद फिर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सरकार का जो ये फैसला है, सब पुलिस पे फोर्सेस में मिल जाएंगे। ऑलरेडी पूरी पुलिस फोर्सेस में बहुत बड़ी कमी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कमी है, तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा भी ऑफर है, जो इस प्राइवेट सिक्योरिटी में आना चाहेगा, ऐसा अग्निवीर जो आना चाहेगा उसको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको हम सिक्योरिटी अफसर रखेंगे, यानी सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। जिसने 4-5 साल फौज में काम कर लिया वो तो भी ट्रेंड हो गया, जो ट्रेंड हो गया व्यक्ति है उसको गार्ड बनने की नहीं है, बल्कि उसको हम सिक्योरिटी अफसर या असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर भी बनाएंगे अगर वो आना चाहेंगे। कि हमारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी का विकास दर बहुत तेज हो रहा है, इसमें बड़े बड़े अच्छे वेतन मिलने लगे, लोग लाख लाख दो दो तीन तीन लाख रुपए तक गा भी देते हैं, तो उनके ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार के अपने अभी फैसले किए हैं उसमें से सारे लोगों को वहीं पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। जो बाहर आना चाहता है वो उसको प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री अच्छे वेतन के ऊपर सिक्योरिटी अफसर रखेगी, गार्ड नहीं बनाएगी। NBCN न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।